दोस्तों, जब दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाने की शुरुआत भारत में की थी, तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में बॉलीवुड इतने सारे घिनौने कामों में लिप्त हो जाएगा कि बॉलीवुड का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। अंडरवर्ल्ड, ड्रग माफिया, बॉलीवुड नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया, तरह तरह की बातों से लेकर बॉलीवुड का नाम जो इतना खराब हो चुका है, उसे सुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ शर्म आती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग से लेकर कोकेन और ना जाने ऐसी नशे वाली कितनी ही बातें सामने आ रही हैं। अंडरवर्ल्ड से लेकर दुबई कनेक्शन और ना जाने कितने ही लोगों को इस इंडस्ट्री में ड्रग्स का शिकार बनाकर तरह तरह के बिजनेस किए जा रहे हैं। ये बातें जब सामने आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार, हम किन लोगों को अपना आइडल मानते थे, इस देश की जनता किन लोगों को हीरो मानती थी। असली हीरो तो वो लोग हैं यार, जो हमारे लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 12 महीने सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बिना खड़े रहते हैं कि हमारे देश के ऊपर एक आंच ना आने पाए। और हमारे देश के ऐसे चंद गद्दार हैं जो बॉलीवुड में काम तो करते हैं, लेकिन इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड से होता है। तो बताइए, जब हमारे देश में ही फिल्में बनाने के नाम पर जब इतने बड़े बड़े गद्दार बॉलीवुड में बैठे हैं, तो सोच लीजिए इस देश का क्या हश्र होगा। अब इस पूरे केस में दीपेश सावंत जो है वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन उसे एक बात का डर सता रहा है कि कहीं वो बाहर निकला तो उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ जाए। तो दीपेश सावंत ने सीबीआई से एक गुजारिश की है कि उसे बाहर ना जाने दिया जाए, उसे डीआरडीओ के ऑफिस में ही रहने दिया जाए और कड़ी सुरक्षा में रहने दिया जाए, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसे पूरा यकीन है कि उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा, क्योंकि अब वो सरकारी गवाह बनने के लिए रेडी है तो उसकी जान का खतरा तो सबसे ज्यादा है। तो ये बात मैं मानकर चलता हूँ कि सीबीआई भी दीपेश सावंत को अच्छी खासी सुविधा दे रही होगी कि उसकी जान को कोई भी खतरा ना हो। तो आज जो सबसे बड़ा खुलासा एक और हुआ है, वो कंगना रनौत ने किया है बॉलीवुड को लेकर कि बॉलीवुड में किस तरह से ड्रग्स और कोकेन जैसी चीजों का सेवन किया जाता है, इसकी बिक्री की जाती है, इसका धंधा किया जाता है, कैसे नए नए सेलिब्रिटीज को इसका आदि बनाकर उनसे धंधा करवाया जाता है, लोगों को शिकार बनाकर तरह तरह की गंदी से गंदी चीजें करवाई जाती है, इन सभी बातों का खुलासा आज कंगना रनौत ने ट्विटर पर किया है। कंगना रनौत ने यह भी कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी देती है तो मैं बॉलीवुड में जो भी ड्रग्स माफिया अपना काम कर रहे हैं, इन सभी का काला चिट्ठा सामने लाकर रख सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं अपने करियर और अपने जान की भी परवाह नहीं कर रही हूं, लेकिन इस बात को मैं सामने लाना चाहती हूं, बस सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मेरी मदद करे तो इन सभी बातों को मैं सामने लाकर रख दूंगी। तो कंगना रनौत ने अपने ट्वीट्स में क्या बातें कही है वो मैं बताता हूँ। कंगना ने कहा कि जब मैं माइनर थी और मेरे मेंटोर इतने खतरनाक बन चुके थे जो मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देते ताकि मैं पुलिस के पास ना जा सकूं। जब मैं सक्सेसफुल हो गई और मुझे फेमस फिल्मी पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, और तब मेरा सामना सबसे शॉकिंग और भयानक दुनिया व ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से हुआ था। यदि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एंट्री करे तो ए लिस्ट में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे होंगे। यदि ब्लड टेस्ट होता है तो कई शॉकिंग खुलासे सामने आएंगे। उम्मीद करती हूं कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड जैसे गटर की भी सफाई होगी। बता दें कि बॉलीवुड का कहने का मतलब बॉलीवुड में उससे है जहां लोगों को बुली किया जाता है। कंगना ने कहा कि संजू मूवी में जिस तरह से दिखाया गया कि वुमेन अब्यूज, ड्रग्स माफिया, ये सब तो कुछ भी नहीं है, बॉलीवुड इससे कहीं ज्यादा आगे। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड की जितनी भी हाउस पार्टीज होती है उसमें कोकेन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और जब आप नए होते तो इन पार्टियों में ये चीजें आपको फ्री में दी जाती है, आपकी जानकारी के बिना एमडीएम क्रिस्टल को पानी में मिलाकर आपको दिया जाता है। दोस्तों, कंगना रनौत का ये खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है, और कंगना रनौत अपने लाइफ और अपने करियर को दांव पर लगाकर भारत सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश कर रही हैं कि उन्हें थोड़ी सी सुरक्षा दे दी जाए ताकि वो जितने भी अपराधी बॉलीवुड में हैं, इन ड्रग्स जैसी चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनकी पोल खोल कर रख दे कि बॉलीवुड में किस तरह के लोग हैं और किस तरह से बॉलीवुड अपना काम करता है, किस तरह से बॉलीवुड जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें कंगना रनौत खोलने के लिए तैयार हैं। इन सभी की पोल खोलकर रख देंगी, बस कंगना रनौत को सुरक्षा दी जानी बाकी है। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं, और कंगना रनौत को किस तरह से सपोर्ट करना है कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।